वेलकम टू डॉक्टर ईजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या आज पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकेन, जो कि ये स्ट्रक्चर है प्रोकेन का। नेक्स्ट ड्रग कैटेगरी। नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन, तीन तरीके से हम प्रोकेन को बना सकते हैं। पहला है फ्रॉम पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। पहला क्या है? पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड से। दूसरा रूट है फ्रॉम 4-अमीनोबेंजोइक एसिड। और थर्ड है रूट 2-क्लोरोइथाइल पैराअमीनोबेंजोएट से। फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ प्रोकेन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकेन के स्ट्रक्चर की। ये प्रोकेन का स्ट्रक्चर, ये अमीनो ग्रुप है, ये बेंजीन है, देन ये इस्टर है। सी ओ ओ को क्या बोलते हैं? इस्टर। ये इथाइल ग्रुप है, ये अमीनो और ये डाइथाइल। तो ये हो गया फंक्शन, ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोकेन की ड्रग कैटेगरी क्या है? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। किसका डेरिवेटिव है प्रोकेन? इट इज इस्टर डेरिवेटिव। इस्टर डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि ये प्रोकेन में, प्रोकेन में क्या है? इस्टर फंक्शन ग्रुप, ये वाला सी ओ ओ कौन सा फंक्शन ग्रुप कहलाता है? इस्टर। इसीलिए इट इज ए इस्टर डेरिवेटिव, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन, अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन। इट हैज फॉलोइंग रूट ऑफ सिंथेसिस। तीन तरीके से हम प्रोकेन को सिंथेसिस कर सकते हैं। पहला फ्रॉम पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। यह है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये देखिए एसिड पार्ट हो गया, ये बेंजीन पार्ट हो गया, ये नाइट्रो पार्ट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये नाइट्रो पैरापोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप। कैसे? ये इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक, तो पैरा पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप। इसीलिए क्या है? पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड डायरेक्शन किससे करता है? थायोनिल क्लोराइड से। तो कैसे करता है? इस थायोनिल क्लोराइड को हमने ऐसे लिख लिया ClSOCl। तो थायोनिल क्लोराइड का Cl इस CO से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये देखिए CO हो गया, ये Cl ऐड हो जाएगा। ये CO रहेगा, ये वाला CO, और ये Cl यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पैरानाइट्रोबेंजोइक क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड का जो CO है, ये इतना पार्ट, ये वाला, ये इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? SO2। और थायोनिल क्लोराइड का Cl इस S से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HCl। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना है पैरानाइट्रोबेंजोइक क्लोराइड, नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन किससे करेगा? NN डाइइथाइल अमीनो इथेनॉल। NN क्यों? ये देखिए N से ऐड क्या है, अटैच क्या है? ये दो इथाइल ग्रुप, इसीलिए NN। ये इथाइल ग्रुप किससे ऐड है, अटैच है इससे, नाइट्रोजन, तो इसीलिए NN डाइइथाइल अमीनो, अमीनो ये वाला। अब इथेनॉल कौन सा है? ये CH2CH2OH, इसको इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? पैरानाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड का Cl और इस NN डाइथाइल अमीनो इथेनॉल का H, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या निकालेंगे? HCl। ये देखिए इसका H, ये Cl, दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है, इसका कराएंगे रिडक्शन। रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? आयरन प्लस HCl या SN प्लस HCl। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो ग्रुप में, तो प्रोडक्ट बनेगा प्रोकेन। ये था फर्स्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम 4-अमीनोबेंजोइक एसिड। ये 4-अमीनोबेंजोइक एसिड ग्रुप है, ये एसिड पार्ट है, ये बेंजीन पार्ट है, ये अमीनो पार्ट है। इसकी रिएक्शन कराते हैं NN डाइथाइल अमीनो इथेनॉल। NN क्यों? क्योंकि ये दोनों इथाइल ग्रुप किससे अटैच है? नाइट्रोजन से, इसलिए NN डाइथाइल। अब अमीनो कौन सा? ये अमीनो ग्रुप हो गया, और इथेनॉल कौन सा हो गया? CH2CH2OH। तो इसमें क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और साथ में हीट करते हैं, तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। और अगर रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? इस्टरीफिकेशन। तो क्या होगा? 4-अमीनोबेंजोइक एसिड का H और NN डाइथाइल अमीनो इथेनॉल का OH, दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर निकालते हैं, H इसका, OH इसका। ये देखिए वाटर निकाल दिया, तो क्या होगा?
ये प्रोकेन बन जाएगी, ये इतना वाला इतना पार्ट इसका यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ये वाला पार्ट, ये पैरा फोर अमीनो बेंजोइक एसिड का पार्ट है यहाँ तक, यहाँ तक, और जो इसका जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो यहाँ पे ऐड हो गया इस ऑक्सीजन से। नेक्स्ट रूट है फ्रॉम टू क्लोरो इथाइल पैरा अमीनो बेंजोइट, टू क्लोरो इथाइल पैरा अमीनो बेंजोइट। टू क्लोरो क्यों है, वन टू नंबरिंग कर लीजिए तो टू पे क्या लगा है, टू पे क्या लगा है क्लोरो, इथाइल कौन सा हो गया ये वाला दो कार्बन का इथाइल। पैरा अमीनो क्यों, इसके रेस्पेक्ट में ये अर्थो ये मेटा ये पैरा, पैरा पे क्या है अमीनो ग्रुप, इसलिए पैरा अमीनो बेंजोइट ही हो गया, ये बेंजीन ये सी ओ ओ इसलिए बेंजोइट। इसकी रिएक्शन कराते हैं डाईथाइल अमीन से, तो डाईथाइल अमीन का एच डाईथाइल क्यों, ये दो इथाइल ग्रुप हो गए, अमीन ये वाला हो गया, तो क्या होता है डाईथाइल अमीन का एच और इस कंपाउंड का सी एल दोनों आपस में रिएक्शन करके एच सी एल निकालते हैं। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, अंडर प्रेशर प्लस हीट करते हैं तब ये प्रोकेन बन जाता है। नेक्स्ट यूजेज, यूजेज क्या है, पहला इट इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, नेक्स्ट इट इज यूज एज स्पाइनल एनेस्थीसिया, नेक्स्ट यूज है इट इज यूज टू रिलीव पेन इन लेबर पेन, लेबर पेन होता है उसमें लोअर बैक में, इट इज यूज टू रिलीव पेन इन लोअर बैक, जब लोअर बैक में पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए प्रोकेन को यूज करते हैं। ठीक है, फिर से बताता रहा हूँ, यूज प्रोकेन, प्रोकेन इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, नेक्स्ट इट इज यूज एज स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के रूप में यूज होती है। लास्ट यूज है इट इज यूज टू रिलीव पेन इन लोअर बैक,